अस्सलामुअलैकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मॉर्निंग हो चुकी है, बस नाश्ता ही बन रहा है। मैं सबसे पहले उठते के साथ ही नमाज वगैरह से फारिग हो गई हूँ, क्योंकि बहुत देर हो जाती है वरना जुम्मे की नमाज में। और आज आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक, और दुआओं में सब लोग मुझे भी याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी, और मैंने भी आप सब लोगों को याद रखा है दुआओं में। सबके लिए दुआ की है। फिर कुरान शरीफ वगैरह पढ़ने में भी इतना ज़्यादा टाइम हो गया, तो अभी फिलहाल बना रही हूँ नाश्ता। और आज से मेरी पक्की वाली डाइटिंग स्टार्ट है। बस अब कुछ भी हो जाए मुझे करनी है, मैंने सोच लिया। आज सुबह उठते के साथ ही कहवा बना कर दिया है, जो मैंने कल बनाया था वो, उसकी रेसिपी मैं अभी नहीं बताऊँगी, जब पूरा मेरा वेट कम हो जाएगा उसके बाद बनाऊँगी, बताऊँगी आप लोगों को भी जो जो चीज़ें मैं कर रही हूँ। आई होप हो जाए मेरा वेट कम। तो बस ये अभी फ़िलहाल बॉयल एग खा रही हूँ नाश्ते में, और बगैर चीनी की चाय। देखते हैं, थोड़ी सी एफर्ट करती हूँ यार, बहुत वजन बढ़ रहा है। बस अब तो सोच लिया मैंने कि बस अब कुछ भी हो रहा है करना है, बहुत खा लिया प्लीज। और फिलहाल जो है ना, मैं जो सबसे पहले छोड़ने वाली हूँ वो रोटी और चावल और आलू। अभी रात तक की मेरी रूटीन जो होगी वो मैं बताऊँगी। तो अभी तो फिलहाल मैं इमरान को उठाऊँगी, आयत को नाश्ता करवा के, मैं तो खुद नाश्ता कर लिया, उनको नाश्ता दूंगी, और फिर मैं जाऊँगी सैलून, वहाँ काम है उसके लिए जाना है मुझे। और जो है ना, बस अभी फ़िलहाल की यही रूटीन है। सैलून से आने के बाद देखती हूँ, मैं बनाने वाली हूँ पतली दाल, तो शायद वही सूप की तरह खा। बस आयत का और मेरा नाश्ता रेडी है, ये मेरी चाय बहुत कम दूध की, और मेरा बॉयल एग और आयत का अंडा। तो गाइस मैं आई थी अभी डेंटिस्ट के डॉक्टर के यहाँ, और यहाँ पर जो है ना अभी डॉक्टर बैठी ही नहीं है, तो फिलहाल दोबारा जा रही हूँ, देखती हूँ अभी कि क्या है। और मेरी दाढ़ में कल से बहुत ज़्यादा दर्द है, तो इसलिए मैं डॉक्टर के यहाँ आई थी। तो गाइस मैं अभी आई हूँ बहन के घर पर, और मुझे ये मिरर में कभी भी वीडियो बनानी है या पिक्चर बनानी आती ही नहीं है, मुझसे बनती ही नहीं है। और रमजान ने बहुत प्यारा इस मिरर सेट किया है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें मैं भी अच्छी आ रही हूँ। आई हूँ, इधर आओ, क्या कर रही हो? और आयत को यहाँ पर आने में बहुत ही खुशी मिलती है, प्यारा बनाया है, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। A few moments later. रास्ता है जी, इधर आओ, देखो क्या रेडी में हर चीज़ मिल रही है भाई। ये क्या बनाना है? ये शर्ट कैसी है? सिर्फ कंप्लीट ले लो और बस पहन लो है। Thank you.
कॉटन की शॉप पर देखते हैं, यहाँ है। ये वाले की प्राइस बताइएगा, 2800। Two thousand years later. तो गाइस मैं आई हूँ अभी घर पे बाजी के यहाँ से। बहुत घूमी। बाजी को मार्केट जाना था किसी काम से, उनके साथ मार्केट चली गई। थोड़ा सा मुझे भी वहाँ काम था, वो सब के लिए चली गई। और फिर मुझे डेंटिस्ट के पास जाना था, दाढ़ में बहुत ज़्यादा तकलीफ, तो जो है ना उसकी दवाई ली बस फिर। और जो है ना अभी घर आई हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 2 बजे हैं, तो 1:30 बज रहा है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ में। जैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कॉमेंट और शेयर भी ज़रूर कर दें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।